बच्चे तो पालने पैने निकले बच्चे नहीं मैं कल लगा लिया ना निकले न्याणे अपने दो आना भी कुछ सोचना चाहिए गरीब बंदे का कोई मिलना चाहिए बच्चे पाल सकता कोई कारो यहाँ काम दे बैठ बह के कर सकता। असी तो यदि मेहनत तो भाजी वारे वारे जाने ये केवलम सिंह आ जो अपनी तसद की गर्मी के मेहनत करके अपना परिवार पालदा आ जो छियां बंद जुट बनया हो बीबिया भी पा के एक एक जाने के हिस्से मेरे हिसाब से 6 acres जमीन आँदी आ जो एक एक जाने 6-6 acres का मुआवजा मिलना आसाब के ना ही इन्हें अपने जी जड़े पालने तो असं तो यो हर संस्था गाड़ी ताे मध्यम तू बेनती करना चाहते हाँ भी कोई भी उठे तो हवीर की बह फट के इन कोई रुजगार कोई दुकान वगैरह यह जी चीज़ खोल के दी जाए जिथे आसानी ना बह के अपनी रोजी रोटी कमा सकते अपने बच्चों को खवाल सके। जो अत की गरीबी तो उत्तों जो कुदरत भी बंदे नाल कहर करे तो बंदा अपना ढिड पालन की नहीं करता पर जो बंदा कुदरत की मार के बावजूद अपनी मेहनत करके गुजारा करता है तो उसकी मिसाल कदे कदे ते किते किते मिलती है। कुछ इसे तरह की मिसाल जिला गुरदासपुर के पिंड मियाकोट के केवल सिंह ने कायम की है। केवल सिंह अपाहज हुंदिया भी जिंदगी नाल लड़ाई लड़ रहा है। केवल सिंह बचपन तो पोलियो की बीमारी का शिकार है ते इस कारण उस दियां लत्तां काम नहीं कर दियां पर इसके बावजूद वह अत की गर्मी विच भी झोना लगा रहा है इस नाल वह अपना परिवार पाल रहा है। केवल सिंह दे सिर उत्ते बजुर्ग माँ अते छोटे बच्चे नू पालन की जिम्मेवारी है। गुरदासपुर जिला पिंड मियाकोट जो की करना भाजी बच्चे तो पालने पैने नहीं गए बच्चे है 3-4 जने हर साल मतलब किला 1.5 किला ही बस हाँ जी 10-15 दिन ही बस इन्ने क दिन ही लगता इन्ना की लगता लत्तां तो नहीं मैं कल्ला लगा लिया ना निकले न्याणे अपने दो बच्चे ना जी कुछ नहीं बने ना जी ना मैं आना भी कुछ सोचना चाहिए गरीब बंदे का कोई मिलना चाहिए बच्चे पाल सकता कोई कारो यहाँ काम दे बैठ बह के कर सकता। हाँ जी मुहतबर रणजीत सिंह राणा ने किरत नूं सलाम करदिया कहा कि सरकार केवल सिंह वर्गे मेहनती नौजवानों नूं सहायता करे ता जो एक केवल आसानी नाल अपने परिवार का ढिड पाल सके। असी तो यदि मेहनत तो भाजी वारे वारे जाने ये केवल सिंह आ जो अपनी तसद की गर्मी के मेहनत करके अपना परिवार पालदा आ जो छियां बंद जुट बनया हुआ बीबिया भी पा के एक एक जाने के हिस्से मेरे हिसाब से 6 acres जमीन आँदी आ जो एक एक जाने 6-6 acres का मुआवजा मिलना आसाब के ना ही इन्हें अपने जी जड़े पालने तो जो झोने की फसल लग जाती है तो वह वेले रेंदे ने रब आस रही आ दिहाड़ी तो इन्हें को होनी नहीं आ क्योंकि हैंडीकैप आ तो असं तो यो ही हर संस्था गाड़ी ताे मध्यम तू बेनती करना चाहते हाँ भी कोई भी उठे तो हवीर की बह फट के इन कोई रुजगार कोई दुकान वगैरह यह जी चीज़ खोल के दी जाए जिथे आसानी ना बह के अपनी रोजी रोटी कमा सकते अपने बच्चों को खवाल सके तो अपना भविख सुधार सके। ये आए साल ही साढ़े को 6 महीने बाद ही जीरी लगाते हैं तो इतों ही इन्ना कि जो ना तुम रकबा दस्या आ उहदे विच अपना गुजारा जिहड़ा गुजर गुजारा करते हैं तो जे कोई होर बांह फड़ ले ठीक है नहीं तो साड़ी तो यो ही फरियाद आ कि कोई संस्था यदि बांह फड़े तो यदा कोई रुजगार का कोई मुहैया करवाई जाए सरकार चाहे जा कोई होर संस्था कोई जवान उठ के गाड़ी आए तो यदि बांह फड़े गरीब बंदे की हाँ जी ना जी दिहाड़ी तो इन्ना को होनी नहीं हैंडीकैप आ दिहाड़ी बारे कितों कर देने इन्ना को तो बह के ही आ। केवल सिंह वर्गे पता नहीं किन्ने होर मजबूर लोग ने जो इसी तरह मजबूरी विच अपना समा टपा रहे ने। सरकार नूं चाहिदा है कि विशेष ध्यान दे के इन्हां लोकां दी मदद हर हाल विच करन। गुरदासपुर तो गुरप्रीत सिंह चावला दी रिपोर्ट जगबानी टीवी।